साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज को आज जाती उम्रा में सपुर्द खाक किया जाएगा। लंदन में नमाज जनाजा अदा, शहबाज शरीफ मैयत लेकर लाहौर के लिए रवाना। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। नमाज जनाजा शाम 5 बजे मौलाना तारिक जमील पढ़ाएंगे। बेगम कुलसूम नवाज को मियाँ शरीफ की कब्र के करीब दफन किया जाएगा। सऊदी सफीर और ईरानी कौंसल जनरल की जाती उम्र आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार ताजियत। ताजियत के लिए आने वाले कारकुनान से नवाज शरीफ की मुलाकात बदनज़मी का शिकार। मुलाकात के दौरान कारकुनान की नारेबाजी, धक्कम पेल। एहसन इकबाल कारकुनान को पीछे हटने की अपील करते रहे। मियां नवाज शरीफ 10 मिनट कारकुनान में रहने के बाद वापस रवाना। हमजा शहबाज शरीफ से भी अहम सियासी रहनुमाओं की ताजियत के लिए मुलाकात। कुलसूम नवाज का इंतकाल, जाती उम्रा की फजा मुजमहल। मरियम नवाज की आमद पर लीगी खवातीन की आहुजारी। साबिक खातून अव्वल को याद करके एक दूसरे को गले लगाकर रोती रहीं। नजम सेठी की भी अपनी अहलिया के हमरा आमद, कहा बेगम कुलसूम नवाज का गम नाकाबले बर्दाश्त है। जरा आंखें खोलो कुलसूम, बाबू जी, कुलसूम बाबू जी। जाती उम्रा में सोग की फजा, ताजियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। सदर और वजीर आजम आजाद कश्मीर मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ की आमद, मौलाना तारिक जमील, अयाज सादिक, मेयर लाहौर समेत दीगर अहम शख्सियात का भी इजहार ताजियत। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक, मरियम औरंगजेब की भी आमद, शरीफ खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा, पीटीआई के आला सतही वफ का नमाज जनाजा में शिरकत का फैसला। गवर्नर पंजाब की कयादत में मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल समेत दीगर वजरा शरीक होंगे। बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन तक सिक्योरिटी प्लान मुरतब। जाती उम्रा से अड्डा प्लॉट तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास अदारे, कमांडोज और एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी देंगे। 3 SP, 3 DSP और 6 SHOs तैनात। 20 लेडी कांस्टेबल भी ड्यूटी देंगी। दाखिले के लिए सुई गैस सोसाइटी से 6 दीवारों को तोड़कर 30 वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे। लाहौर में जिमनी इलेक्शन का मैदान, कप्तान ने 2 खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। NA 131 से हुमायूं अख्तर को टिकट देने का फैसला। हल्का NA 124 से गुलाम मुहैयुद्दीन फाइनल। वलीद इकबाल को मुशीर वजीर आजम बनाने का इम्कान। गवर्नर हाउस अलविदा, इमारत म्यूजियम और आर्ट गैलरी में बदल जाएगी। गवर्नर हाउस की ग्राउंड को पब्लिक पार्क बना दिया जाएगा। मॉल रोड की जाने वाली दीवार गिराकर खूबसूरत जंगला लगाया जाएगा। वजीर आला ऑफिस क्राफ्ट म्यूजियम हॉल को कॉन्फ्रेंस हॉल में तब्दील किया जाएगा। शफकत महमूद, कहा कि चंबा हाउस गवर्नर का ऑफिस होगा। स्टेट गेस्ट हाउस मॉल रोड को 5-स्टार होटल बनाएंगे। वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का नए निज़ाम के तहत नए बल्दियाती इंतखाबात की तजवीज़ पर गौर। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक लीगल टीम की कानूनी मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को कानूनी तौर पर घर भेज सकती है। लीगल टीम ने नया बल्दियाती निज़ाम राइज करने के लिए नया सेटअप ज़रूरी करार दे दिया। नया निज़ाम लाकर नए बल्दियाती इंतखाब कराने पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। ज़राए पंजाब हुकूमत। वज़ीर आला पंजाब का आरफा करीम IT टावर का दौरा, मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर आला को चेयरमैन IT बोर्ड उमर सैफ की टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग। IT डिपार्टमेंट में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ई खिदमत मरकज़ भी गए। शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। लोगों से मसाइल पूछे। उस्मान बुज़दार का खिदमत मराकज़ के क़याम के दायरा कार में इजाफे का ऐलान।
एचिसन कॉलेज में क्या हुआ, एचिसन कॉलेज में झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लाहौर न्यूज ने झगड़े की फुटेज हासिल कर ली। बच्चों के झगड़े के बायस प्रिंसिपल ने साबिक एमएनए कश्माला तारिक के बेटे को कॉलेज से बेदखल कर दिया था। बड़ी फीसें, सहूलियात का फुकदान, इजाफी फंड्स, वालिदैन निजी स्कूलों से नाला, सूबाई वजीर तालीम से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। मुरादास ने अनोखा हल भी बता दिया, वालिदैन को अपना स्कूल बनाने की पेशकश, जमीन हुकूमत फराहम करेगी, निजी स्कूलों के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाने का ऐलान कर दिया। इस चीज पे सोचे सारे कि आप लोग इतनी फीसें दे रहे हैं तो आपको जमीन मैं अरेंज कर देता हूँ, स्कूल आप बना ले। रायबन रोड तक जाती उमरा सड़क की गैर कानूनी तामीर का मामला, नैब का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रवा माह के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। नैब ने केस में नवाज शरीफ को भी मुतअद्दद बार तलब किया मगर वो पेश न हुए। फुलरवान में 5 अफराद के कत्ल का मामला, मुलजिम जुल्फिकार, इफ्तखार, हीरा इफ्तखार, वक़ार, कद्दीर, लियाकत और जब्बार इंसान दहशतगर्दी के अदालत में पेश कर दिए गए। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 11 दिन की तौसी। मुलजिमान से आला कत्ल बंदूक और कलाशनकोफ बरामद हुई, तफ्तीशी अफसर। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर पाबंदी खुशाइन करार, शहरियों का हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। एसपी सिटी आसिफ सद्दीक जीपीओ चौक पहुंच गए, शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी, पंपलेट और हेलमेट तकसीम। पाबंदी लग गया है, एक तो ये इंसान के लिए अच्छा भी, और 100 में से देखा जाए तो 10% बुरा है और 90% ये चीज़ अच्छी है। ये अच्छा इकदाम है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल और ये रक्षा वगैरह नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल सही किया है, कम उम्र लड़का मोटरसाइकिल या रक्षा कोई भी चीज़ नहीं चला सकता क्योंकि उसका आईडी कार्ड शनाची कार्ड नहीं पड़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही फैसला है, नहीं होना चाहिए, कैसे किसी की जान ज़ाया हो जाए क्या फ़ायदा, और सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसे, कानून के दायरे में रह के जो भी काम करना है कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। समनाबाद के मुअत्तल मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा, लेस्को हेडक्वार्टर के सामने वापड़ा पैगाम यूनियन का एहतजाज, मुजाहिरीन के लेस्को इंतजामिया से मुजाकिरात कामयाब। एहतजाजी मुलाजमीन ने मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज 3 रोज के लिए मुअख्खर कर दिया। यौम आशूर के मरकजी जुलूस को सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा, जुलूस में किसी अजनबी शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, जुलूस के रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। डीआईजी ऑपरेशंस की निसार हवेली आमद, मरकजी जुलूस के रूट का भी दौरा किया, मीडिया से गुफ्तगू की, डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की पांडो स्ट्रीट आमद, 9 मुहर्रम के जुलूस की सिक्योरिटी और इंतजाम का जायजा। मुहर्रमुल हराम में मजालिस का सिलसिला जारी, अदाकारा नादिया अली के घर में भी मजलसे आज़ा मुनाक़िद की गई, फिल्म स्टार खुशबू, दीदार, निशो, दुर्दाना रहमान और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। मुहर्रम का एहतराम, 9 और 10 मुहर्रम को शहर में सिनेमा घर बंद रहेंगे, डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला का भी बड़ा फैसला, पाक भारत मैच के दौरान बड़ी स्क्रीनें नस्ब करने पर पाबंदी आयद कर दी, मुरासला जारी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग के 51 तलबा में लैपटॉप्स की तकसीम, एमफिल के 8 जबकि बीएस के 43 तलबा ने लैपटॉप्स हासिल किए, वाइस चांसलर ने तलबा को शानदार कारकर्दगी पर सराहा।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की गहमा गहमी, बिजनेसमैन फ्रंट के रहनुमाओं की हॉल रोड आमद, ताजरों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल, मियां जावेद बोले जीत कर ताजर बरादरी की हकीकी नुमाइंदगी करेंगे। डायरेक्टर डोमेस्टिक एंड गेम्स डेवलपमेंट के ओहदे से बरतरफी, साबिक ओलंपियन नवीद आलम, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शहबाज सीनियर पर भी बरस पड़े, कहते हैं इसलाह करने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। और चेयरमैन पीसीबी से चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की मुलाकात, इंजमामुल हक ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जाम को रद्द कर दिया, बताया कि बेटे की जूनियर टीम में सिफारिश के इल्जाम बेबुनियाद हैं, एहसान मानी का इत्मीनान का इजहार।